हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द कैफे एक्सप्लोरर। मैं हूँ पूजा और आज मैं इस वीडियो में बात करूँगी ड्राई स्किन के बारे में और हमें ड्राई स्किन कब एक्सफोलिएट करना है, आज मैं उसी के ऊपर बात करूँगी। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए और अपने क्वेरीज़ को कमेंट करिए मेरे कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उन्हें देख सकूँ और एड्रेस करूँ आपके सारे के सारे इशूज़, प्रॉब्लम जो भी है वो डिस्कस करूँ। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो पहले मैंने अपने स्किन केयर रूटीन में बताया था कि हमें एलोवेरा जेल लगाना चाहिए चेहरे पे, फिर क्लिंजर का जो क्लिंजर है वो यूज़ करना चाहिए। तो वो तो बेसिक स्किन केयर रूटीन होती है और हमें सबको वो चीज़ करना ज़रूरी है स्किन केयर के लिए, बट बहुत जन को भी ये थॉट रहता है कि हमें एक्सफोलिएट कब करना चाहिए। और स्पेशली आपका स्किन केयर जो ड्राई स्किन है ना, उन लोगों को तो खासकर ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि हमें एक्सफोलिएट कब करना चाहिए। क्योंकि एक्सफोलिएट क्या होता है, एक्सफोलिएट जो आपके डेड स्किन सेल्स है जो ड्राई स्किन में ज़्यादातर है, उसको क्या होता है, वो एक अगर आप उसको एक्सफोलिएट करोगी तो एक चेहरे को एक अलग से ही फ्रेशनेस दिखेगी, हाइड्रेट होगी, सारे जो डेड स्किन सेल्स है वो सारे का सारे रिमूव होगा और एक चेहरे पे एक अलग ही आपको एक फ्रेशनेस नज़र आएगी, एक हाइड्रेशन नज़र आएगी। वैसे तो ड्राई स्किन के लिए इम्पॉर्टेंट है पानी पीना रेगुलर। तो मेरी तो आप देख सकते हो यहाँ पानी की बॉटल पड़ी रहती है, तो पड़ी रहती नहीं है, अब मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ तो और अपने स्किन को और ख्याल करती हूँ। और वही मैं चीज़ आप लोगों को भी बताती हूँ कि ड्राई स्किन के लिए क्या ज़्यादा मैंडेटरी है। तो मैंने पिछले बार बात नहीं करी थी एक्सफोलिएट की, मैंने कहा था कि हाँ एक्सफोलिएट भी करना ज़रूरी है, बट मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो अभी टाइम आ चुका है एक्सफोलिएट करने का, स्पेशली फॉर ड्राई स्किन। क्योंकि जैसे विंटर्स है, विंटर्स में हम इतना स्किन केयर रूटीन तब मैं इतना एक्सफोलिएट नहीं करते, और जैसे वो चेंज होता है जब स्प्रिंग आती है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि हमारी स्किन सीजन्स के अकॉर्डिंगली ही चलती है। अगर जैसे सीज़न चेंज होता है ना, तो स्किन का भी जो बैरियर है, स्किन बैरियर, वो भी सारा के सारे चेंज होते हैं। और आपको फिर फील होता है कि जब मेरी स्किन काफ़ी ड्राई, काफ़ी रफ, पैचेस निकल आ रहे हैं, या फिर चेहरा स्पेशली ये वाले एरिया में आपको ज़्यादा लगेगा कि स्किन कितनी डाउन से लग रही है, काला लग रहा है, नहा के आने के बाद स्किन एकदम से ड्राई लगती है। मैं जब भी मतलब नहा के आके और मुझे लगता है कि स्किन अभी मेरी फ्रेश रहती है, वो नहीं, मुझे वो फटाफट मॉइस्चराइज़र लगाना ही लगाना पड़ता है ताकि मेरी स्किन मॉइस्ट रहे, ऑयली नहीं रहो बट वो चेहरा मॉइस्ट रहे, फ्रेश रहे। तो आई थॉट कि नहीं, स्किन केयर में एक्सफोलिएट करना अब ज़रूरी हो गया है। अब ज़रूरी नहीं, मतलब स्प्रिंग सीजन आ गया है तो ऐसा जो सीज़न अभी जो चल रहा है इसमें एक्सफोलिएट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कैलकटा में ना अभी स्प्रिंग सीजन तो चल मतलब सब जगह चालू हो गया, और कैलकटा में अभी हो गया 34 डिग्री, और ऐसा मौसम हुआ है ना जैसे ना ठंडी है ना गर्मी है, तो कुछ नहीं है। क्योंकि मार्च का टाइम ही है, वो स्प्रिंग सीज़न है जिसमें आपको अंदर ही अंदर आपकी जो स्किन की हीट है, ड्राई स्किन की, वो ज़्यादा रहेगी, प्लस जो बाहर की हीट है जिसमें मॉइस्चर नहीं है, जिसमें पसीने नहीं आ रहे बट चेहरा सूख रहा है, हाथ आपका लगेगा कि स्किन बहुत सूख रही है, ऐसे करोगे तो आपको स्किन में पूरा एक दाग लग जाएगा, बट अभी वो नहीं होगा। क्योंकि स्किन केयर रूटीन अगर आप अच्छे से करोगे, एकदम प्रॉपर वे से करोगे, तो आपको स्किन मतलब स्किन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात आती है इसकी, स्किन केयर तो एक्सफोलिएट करना ज़रूरी है, अब बात हो है कि हमें प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए ड्राई स्किन के लिए या फिर नेचुरल जो रेमेडीज़ है वो यूज़ करना चाहिए। तो मैं बता देती हूँ यहाँ पे मेरी थॉट थोड़ी सी चेंज है। मैं जब एक्सफोलिएट करती हूँ ना, मैंने एक इंस्टा पे रील भी डाली थी कि एवर यूथ का जो एक्सफोलिएट स्क्रब है वो बहुत सही है, बहुत इंस्टेंट रिजल्ट देता है, बट मैंने वो तब यूज़ किया है जब मेरा बाहर का सीज़न भी थोड़ा डिफरेंट था, स्किन मेरी थोड़ी डिफरेंट ट्रीट करी थी, मैं वो तब यूज़ करी थी। जब इस टाइम का जो महीने, जैसे मार्च का महीना, स्प्रिंग सीजन जो चल रहा है अभी के टाइम पे अगर आप पहली बार एक्सफोलिएट कर रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप उसको नेचुरल रेमेडीज़ की तरह एक्सफोलिएट करो। वैसे ड्राई स्किन में ज़्यादातर बताती है कि ओटमील मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप किसी के पास देखो ओटमील होगा नहीं, या फिर खाने का वो रहता है कि भाई हम खाएँ कि चेहरे पर लगाएँ, तो बहुत ही सिंपल रेमेडीज़ है घर पे आप लोग की तो अवेलेबल रहेगी 24 आवर्स।
तो उसी में ही आपको वो मार्क्स बनाना है या फिर जो भी स्क्रबर है वो स्क्रबिंग करनी है। बट स्क्रबिंग आपको एकदम आराम से करना है, और स्क्रबिंग तभी करनी ज़रूरी है तब आप एक्सफोलिएट कब करना ज़रूरी है, जब आपको स्किन लगे कि काफ़ी पैची हो रही है, काफ़ी आपकी स्किन में एक होता है ना सूख रही है स्किन। अगर स्किन रेड है या फिर थोड़ी सी आपकी इची हो रही है या फिर पेन हो रहा है थोड़ा सा हल्का, तब एक्सफोलिएट आप नहीं करना, बहुत गलत है। आपको तब एक्सफोलिएट, या चाहे वो नेचुरल रेमेडीज से हो या चाहे वो आपकी कोई भी केमिकल प्रोडक्ट की हो, तब प्लीज़ आप एक्सफोलिएट मत करो। एक्सफोलिएट तभी आप करो जब आपको लगेगा कि नहीं अभी ये सीज़न है एक्सफोलिएट करने का, क्योंकि विंटर सीज़न चला गया और अब आ रहा है ड्राई, मतलब अब आ रहा है थोड़ा सा गर्मी का सीज़न, समर डेज। तो ऑब्वियसली पानी पीना तो बहुत बहुत ही नेसेसरी है, तो हाइड्रेशन तो चाहिए ही चाहिए। तो साथ ही साथ एक्सफोलिएट का टाइम अभी है इस सीज़न में फॉर ड्राई स्किन, ताकि वो स्किन आपकी सॉफ्ट रहे, थोड़ी सी जंप एकदम बाउंसी माउंसी करे, आपको स्किन इतनी नहीं सूखी सूखी से लगेगी और अच्छा ही लगेगा, स्किन एकदम ग्लो करेगा। और कहीं आपको फिर बार बार ना ये क्रीम लगाने को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने एक बार कर लिया तो वो अच्छा रिजल्ट देगा, लाइक 1 वीक तो पूरा ही चलेगा। बट अभी भी मेंशन हम लोग करते हैं कि हमें कब एक्सफोलिएट करना चाहिए, वीक में कितनी बार करना चाहिए। वीक में जो एक्सफोलिएट मैं बताऊंगी उसको आप ट्वाइस करो, 2 बार करो, तो वो नेचुरल रहेगा। मैं अभी केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए नहीं कह रही हूँ, नेचुरल रेमेडी से ही आप पहले एक्सफोलिएट स्टार्ट करिए। उसके बाद अगर कोई कभी बोलता ना बहुत लेजी हो रहा है कि मैं अभी मार्क्स बनाऊंगी, अभी ये करूंगी, क्योंकि मैं भी उसमें से ही हूँ कि मैं इतना ये करूँगी, मैं प्रोडक्ट यूज़ करूँगी जो मेरे स्किन के लिए सही है, तो स्टार्टिंग आप एक्सफोलिएट नेचुरल रेमेडी से करिए। तो चलिए देखते हैं कि मैंने ये कौन सी रेमेडी यूज़ करी है और कौन सा मास्क लगाया और स्किन मेरी कैसे फ्रेश लगती है, चलिए देखते हैं। सो यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है, बाउल में मैंने एक कॉफ़ी, शुगर, हनी और मिल्क ऐड किया है और इसका एक मास्क बना दिया, एक स्क्रबर बना दिया है। तो यही स्क्रबर मैं अभी फेस पे लगाऊंगी। सो यहाँ मैं आ गई हूँ वॉशरूम में और मैंने स्किन पे अभी सिर्फ और सिर्फ पानी से हल्का फेस गीला किया है और अब मैं ये स्क्रबर अपने फेस पे लगाऊंगी। तो बहुत ही जेंटली आपको स्क्रबिंग करनी है, एकदम भी फेस पे ज़ोर ज़ोर से स्क्रब नहीं करना है। मैं हल्के हाथ से ही अपने चेहरे पे स्क्रबिंग कर रही हूँ। तो जो मेरा मार्क्स है जिसमें मैंने कहा है अभी, शुगर, हनी और आपका मिल्क और आपका कॉफ़ी, मैंने ये स्क्रबिंग एक अपना बनाया है और ये काफ़ी अच्छा है स्किन के लिए। चारों के चारों प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए स्पेशली। स्किन आपकी काफ़ी सॉफ्ट रखेगा और काफ़ी स्मूथ रखेगा, ग्लो करेगा। हनी से भी जैसे चेहरा ग्लो करता है सो वो करेगा। और बस आपको धीरे धीरे हल्के हाथ से इसको थोड़ा पानी लगा के स्क्रबिंग करना है, ताकि अच्छे से पूरा जो भी डार्कर एरियाज आपको जहाँ लग रहा है कि स्किन आपकी थोड़ी सी यू नो काली काली सी हो रही है, तो वहाँ पे करो। जैसे मेरे आई एरिया में थोड़ा डार्क सर्कल्स है, तो ये हल्के हाथ से आपको जस्ट एक सर्कुलर मोशन में आपको अच्छे से स्क्रब करनी है, जैसे मैं कर रही हूँ अभी। और धीरे धीरे आपको स्क्रबिंग करनी है, ज़ोर ज़ोर से नहीं, फोरहेड पे भी बहुत ज़रूरी है स्क्रबिंग करना, नेक पे भी काफ़ी ज़रूरी है स्क्रबिंग करना। तो ऐसे ही आपको चेहरे पे ये होम रेमेडी से स्क्रबिंग करना है। आप यही स्क्रबर अपने हाथ पे अच्छे से स्क्रब कर सकते हैं, ताकि डेड स्किन सिर्फ फेस पे ही नहीं, हाथों पे भी होती है। हाथ भी आपके काफ़ी काले और थोड़े ना सूखे सूखे से भी लगते हैं, तो स्किन जो भी डेड स्किन सेल्स है वो हट जाएगी। वैसे मैंने अभी थोड़ा सा ही मास्क लगाया, नहीं तो मैं इसको फीट पे भी लगाती, तो मैं पूरे अपने आर्म्स पे भी इस मास्क को लगा रही हूँ, देख सकते हो। तो जाके जितना भी मेरा डार्कर एरियाज है हैंड पे और फेस पे, वो सारा का सारा क्लीन हो जाए और डेड स्किन सेल्स सारी के सारी रिमूव हो जाए। तो आपको ये स्क्रबर सिर्फ और सिर्फ पानी से रिमूव करना है, कोई क्लिंजर नहीं, कोई सोप नहीं लगाना है स्क्रबर आपको रिमूव करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ पानी। और देख सकते हो चेहरा कितना ग्लो कर रहा है, कितना सॉफ्ट है। मैं बस अपने स्किन को इतने अच्छे से फील कर पा रही हूँ कि स्किन बहुत ही हैप्पी है मेरी अभी।
तो स्क्रबिंग के बाद मैंने अल्कोहल फ्री जो रोज़ टोनर है मैंने वो टोनर यूज़ किया है, और ये काफ़ी अच्छा टोनर है लवको कंपनी का और काफ़ी अच्छा फील कराता है। तो होम रेमेडीज़ के बाद आप ये केमिकल प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं और एल्स आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने क्रीम लगाई है निया केयर्स की, जो कि ये अभी मेरे काफ़ी फेवरेट हो चुकी है, काफ़ी स्किन को बहुत सूट करी है मेरे। सो मैंने इसको ये क्रीम काफ़ी यू नो एक एकदम हल्की है, पता ही नहीं चलेगा स्किन पे लगी है और काफ़ी देर तक मॉइस्ट रखती है स्किन को, तो मुझे बार बार क्रीम नहीं लगाना पड़ता है। सो ये तो रही मेरी एक्सफोलिएट की हैक जो मैं यूज़ करती हूँ। इसमें कभी कभी थोड़ा चेंजेस रहता ही है, अगर स्किन में लगेगा कि कुछ, अगर मेरी स्किन मतलब क्या इची हो रही है या कुछ लग रहा है, वैसे तो ये रेमेडी से मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है। कभी कभी दूसरा भी हम मास्क बनाते ही है एक्सफोलिएट करने का ही, और भी काफ़ी सारी रेमेडीज़ है एक्सफोलिएट करने का, बट ये सबसे ईजी है क्योंकि मिल्क बहुत बहुत अच्छा है स्किन के लिए, दही इतनी अच्छी है स्किन के लिए। सो उसी से आप स्टार्ट करो, पहले होम रेमेडी से स्टार्ट करो, उसके बाद कोई केमिकल प्रोडक्ट अपने फेस पे लगाओ, ताकि आप वो स्किन को भी ना थोड़ा सा एक टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि इतने केमिकल्स और इतने प्रोडक्ट लगा के आपकी स्किन भी एक हद तक ना वो होम रेमेडी से ना काम नहीं फिर कर पाएगी। तो आप पहले एक्सफोलिएट जब करना स्टार्ट करोगे तो पहले होम रेमेडी से स्टार्ट करो, उसके बाद आप प्रोडक्ट कोई भी यूज़ कर सकते हो जो आपकी स्किन के लिए मैंडेटरी है, मतलब जो आपकी स्किन के लिए सही है वो आप यूज़ करो। और उसके बाद होम रेमेडीज़ तो है ही है, वो एक यू नो गेम चेंजर है स्किन के लिए। और आज तो मेरी स्किन सच्ची में बहुत सही लग रही है, क्योंकि ये स्किन केयर रूटीन अगर एक्सफोलिएट मैं वीक में 2 बार करूँ तो स्किन काफ़ी अच्छी रहेगी, काफ़ी हेल्दी रहेगी। और आपको नहीं लगेगा क्योंकि बाहर की जो ड्राई जो मॉइस्चराइजर मतलब जो ड्राई वेदर है आज इस कलकत्ता में, मतलब यहाँ कलकत्ता में, सो वो मेरी स्किन को कोई हार्म नहीं कर सकती, कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी, मेरी स्किन एकदम हैप्पी रहेगी। तो ये रेमेडीज़ आप लोग अभी के अभी स्टार्ट कर दो करना। अगर किसी को कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसे एड्रेस करूँगी। और अगर कुछ गलती है इस वीडियो में तो प्लीज़ उसे भी बताइए, उसे भी लिखिए, ताकि मुझे भी आइडिया मिले और हम साथ ही में ग्रो करें, साथ ही में लर्न करें, क्योंकि यूट्यूब है ये लर्न करने को, बताने को, सीखने को और भी बहुत कुछ करना। दिस इज इट, दिस इज दिस एंड ऑफ दिस वीडियो, ये है वीडियो की एंड। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको बहुत सारा थम्स अप दीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, तो मैं ऐसे ही वीडियोस जल्दी लाते रहूँगी और आप लोग को भी अच्छा लगेगा वीडियो देखकर। सो टेक केयर, बाय।